हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको एक लेगो की गन दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपको याद होएगा तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये गन दिखाई थी। इसका नाम है M1887। जो फ्री फायर खेलते होंगे उन्हीं को तो पता ही होगा, और काफ़ी ज़्यादा लोगों की फेवरेट गन है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो आपको रेड कलर के यहाँ पे पीछे दो दिख रहे होंगे, ये इसका सोक है। और बीच में जो आप यहाँ पे सर्कल देख सकते हैं, ये इसका पॉइंटर है। जैसे इस गन का ट्रिगर यहाँ पे है, रीलोडिंग के लिए ये है, और ये शूट करने के लिए है। सही होएगा कि ये गन दो बुलेट शूट करती है, तो मैंने भी इस हिसाब से दो बुलेट्स लग की है। ये है 3x1 के पीसेस जो कि लेगो के हैं। तो गाइस, अब मैं आपको इसे शूट करके दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे दो बुलेट्स मेरे हाथ पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले मैं इस गन में क्या करूँगा, मैं इस चीज़ को पीछे की तरफ खींचूँगा और ये लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक गैप दे रखा है, तो यहाँ पे मैं इसे बुलेट्स डालूँगा। जब मैंने इसे डाल दी है, तो ये एक यहाँ पे आप ब्लैक कलर की चीज़ देख सकते हैं। मैं इसे नीचे कर सकता हूँ, मैंने ऐसे बनाया। इसे बीच में से मैंने ब्लॉक कर दी ताकि ये रोटेट हो सके। अब मैं इसे बंद कर देता हूँ, और ये है रीलोडिंग के लिए। तो चलिए गाइस, अब मैं इसे शूट करने वाला हूँ। ये मैं स्लो मोशन में करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आपने देखा कि ये डबल बैरल वाली शॉटगन है। अब मैं आपको इस गन का मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ। तो मैंने आपको ये बताया ही था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से जाके इधर रुक रहा है। तो जब आप इसे पीछे की तरफ खींचेंगे, तो बिल्कुल इधर इस वाली रो में देखिएगा कि कुछ मूव कर रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मूव हो रहा है, तो ये इसी का ही पार्ट है। अब जो यहाँ पे ट्रिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर, तो यहाँ से मैंने इसे ब्लॉक किया हुआ है। तो ये ऐसे है, इसका ब्लॉक ऐसे करके ऊपर ऐसे जाते हैं, जैसे ये है ब्लॉक। तो मैंने ऐसे सेम टाइप का यहाँ पे एक ब्लॉक लगा रखा है, और इसे रबड़ बैंड से कनेक्ट कर दिए ताकि ये इस तरफ से पीछे रहे, और ताकि मैं इसे शूट करूँ तो ये वापस उधर अपनी डायरेक्शन में आ जाए। तो मैंने ये पीस लगा रखे हैं यहाँ पे, मैंने इधर गैप दे रखे हैं नीचे की तरफ ताकि ऊपर जा सके। तो जब मैं इसको मूव करूँगा पीछे की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा कि ये जो है ये ऊपर आ जाएगा। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो ये ऊपर आ गया था। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊपर आ ही चुका है। तो अब आप जानते ही है कि मैं इधर दोनों जगह बुलेट डालूँगा और फिर से रीलोड करूँगा मैं। अगर मैं इसको रीलोड नहीं करता हूँ, तो फिर ये जो है ये फिर ब्लॉक हो जाएगा, फिर तो फिर बुलेट ऐसे शूट नहीं होगी। तो मैंने एक ऐसे कुछ अंदर मैकेनिज्म लगा रखा है ताकि मैं जब इसे ऐसे करूँ तो ये अनलॉक हो जाए, और ताकि बुलेट शूट हो जाए। जब मैंने इसे रीलोड कर ली है, तो यहाँ पे बुलेट चली जाएगी और यहाँ पे इधर इसके पास ट्रिगर के पास रुक जाएगी। तो जब मैं ट्रिगर को रिलीज़ करूँगा तो ये नीचे चले जाएगा, और फिर जब ये आगे की तरफ चले जाएगा तो ये ऐसे बुलेट शूट हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पे इधर बुलेट है, और ये लंबी सी चीज़ इसे ड्रैग करके इधर से शूट कर जाएगी, जैसे ये। तो गाइस, अब मैं आपको इस गन को शूट करके दिखाने वाला हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निशाना स्कोप पे है, गाइस। अब मैंने अपनी गन का रिव्यू दिखा ही दिया है, M1887 शॉटगन। तो गाइस, जब आप वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसे प्लीज़ दबाइएगा। और जब आप सब्सक्राइब करें तो आपको बेल आएगी, तो उसे बिल्कुल तेज़ी से दबाइएगा ताकि आपको बेल नोटिफिकेशंस मिलती रहे, और जो भी मैं नई वीडियो डालती हूँ वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप देखें। तो अगर आपको ये गन अच्छी लगे, या फिर आपको बताना है कि गन और ये सब कुछ देना है आपको, तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगली वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंडिया गेट।